नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट सर्जन जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वासरमैन ट्रेड टेस्ट के बारे में बताऊंगा दोस्तों, और इसमें मैं आपको फुल जानकारी दूंगा कि क्या क्या इसमें पूछेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। मैं यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो वासरमैन के बारे में देखा दोस्तों, लेकिन किसी ने आज तक सही बात और सच्चाई नहीं बताया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि आखिर ट्रेड टेस्ट में पूछता क्या है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे जो कमेंट्स कर रहे थे, सर वासरमैन पे वीडियो लाइए, तो मैं चाहता तो तुरंत उनके कमेंट्स का जवाब तुरंत कल लाके मैं उनको वीडियो प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया, क्योंकि दोस्तों मैंने जब तक पूरा अच्छा तरीका से नहीं पूछा, नहीं जाना इसके बारे में, तब तक मैं वीडियो नहीं लाया। तो जो मेरे पुराना सब्सक्राइबर है वो जानते हैं कि जितना भी मैं वीडियो लाता हूँ वो सारे मैं रियल लाता हूँ दोस्तों। तो आज मैं आपको वासरमैन ट्रेड टेस्ट के बारे में बताऊंगा, और जितना भी बताऊंगा इससे ज्यादा आपको ट्रेड टेस्ट में वासरमैन में नहीं पूछेगा, और इसमें आपको क्या गलती नहीं करना है, बस इस चीज पे आपको ध्यान देना है, बाकी वहां कुछ नहीं पूछता है। मैंने दो तीन वीडियो भी देखा यूट्यूब पे, तो उसमें लोग बता रहे थे कि आपसे कपड़ा धुलवाएगा तो प्रेस करवाएगा तो दाग वाला कपड़ा देगा, तो ये बहुत तरह की बात, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी सोचते थे कि ऐसा होगा, लेकिन नहीं, हम वासरमैन शॉप पे गए, सर से भी पूछे कि क्या सर कुछ ऐसा बताइए जो ताकि हमारे कैंडिडेट को कुछ फायदा हो जाए। सर ने बताया कि इतना से ज़्यादा ट्रेड टेस्ट नहीं पूछता, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होता इतने सारे कैंडिडेट में कि आपसे कपड़ा धुलवा के और सुखवाएगा तब प्रेस करवाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में समझते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद। देखिए दोस्तों, वासरमैन ट्रेड टेस्ट में आपको फर्स्ट में एक दो केमिकल का याद रखेगा, एक दो, जैसे केमिकल में क्या हो गया, आपको कपड़ा धोने के लिए, जो कपड़ा धोने के लिए आता है ना दोस्तों, कपड़ा धोने में आपको रिन साबुन, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि रिन साबुन है, तो रिन साबुन से कपड़ा, एक बर्तन धोने वाला साबुन आता है हरा टाइप का सोप आता है हरा कलर का, वो उसको एक्सो भी बोलते हैं, बहुत से आता है। तो आपसे अगर पूछे तो बर्तन धोने के साबुन और नींबू, ओके, नींबू ये चीज़ आप याद करो, नींबू, ये तीन चीज़ ऐसा है दोस्तों कि आपसे अगर पूछे कि कपड़ा का अगर हमको दाग छुड़ाना है तो किस चीज़ से छुड़ाएंगे, आपको सिर्फ पूछेगा, और ये भी पूछता नहीं है, मैं आपको इसलिए बता दिया कि बाय चांस अगर आपसे पूछ दिया जाए तो रिन साबुन से, सबसे ज़्यादा किससे, बर्तन धोने के साबुन से छूट जाता है दोस्तों, रिन से पहले बर्तन धोने के साबुन से छूट जाता है और नींबू से, तो ये चीज़ कपड़ा धोने से अगर दाग है तब छूट जाएगा। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि रियली चीज़ वहाँ पूछता क्या है, तो अब वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, आप लोग स्किप कर दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, आपको फर्स्ट में क्या करना है कि आपको वर्दी प्रेस करने के लिए देगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी कपड़ा उठाया और दे दिया, नहीं, वहाँ पे आपको वर्दी उठाने के लिए देगा। आपने वासरमैन शॉप पे अगर गए होगे तो एक लोहा का आयरन होता है दोस्तों, बड़ा वाला, एक लोहा का आयरन होता है, एक इलेक्ट्रिक आयरन होता है पतला छोटा सा, ये मान लो कि इलेक्ट्रिक आयरन है, ये क्या है, लोहा का आयरन है, तो जो लोहा का आयरन होता है वो काफ़ी वजन होता है उसको दोस्तों, और इलेक्ट्रिक आयरन हल्का होता है, ये दो चीज़ पे आपको वहाँ ध्यान देना है कि आपको लोहा का आयरन मिल रहा है या इलेक्ट्रिक आयरन, ये चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना। और देखिए चलिए क्या होता है, आपको फर्स्ट में जैसे ही आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाता है तो आपसे अगर वर्दी प्रेस करने के लिए बोलता है, या तो शर्ट ऊपर वाला या तो पैंट नीचे वाला, ये दो चीज़ में से कोई एक चीज़ आपको देगा, तो आपको अगर लोहा का ये आयरन देता है तो ये किसी स्टैंड पे रखा होगा, ये स्टैंड पे रखा होगा लोहा का आयरन, अगर इलेक्ट्रिक आयरन होगा तो ये जो इस तरह से खड़ा होता है उस तरह से खड़ा करके रखा हुआ होगा, ये चीज़ को सबसे पहले ध्यान देना है। तो आपको अधिकतर आपको लोहा का आयरन से प्रेस करने के लिए देगा कि आप इस मतलब प्रेस करके दिखाओ हमको, तो अगर लोहा का आयरन आपको मिल गया और इससे अगर आपको करवा रहा है तो सबसे फर्स्ट चीज़ में आपको देखना है कि इसमें लाइन आ रही है या नहीं आ रही, ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और मैं आपको डिटेल और बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि उस दिन आप कहीं मिस्टेक ना कर दे, क्योंकि YouTube पे ऐसा कोई वीडियो बनाया ही नहीं होगा, मैं चैलेंज करता हूँ अगर बनाया हुआ तो आप हमें कमेंट्स करके बता देना कि सर इससे अच्छा वीडियो हमको मिला है, कोई ऐसा नहीं बनाता और जितना बना रहा हूँ इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि अगर लोहा का आयरन है आपको अगर बोलता है तो सबसे फर्स्ट चीज़ में देखना है कि इसका स्विच ऑन है या
ऑफ है। ये चीज़ आप गलती कभी मत कीजिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको बताया तो ये स्विच ऑफ है और आपने प्रेस उठाया और मारना स्टार्ट कर दिया, वहीं पे आप छाट दिए जाओगे। वहाँ सिर्फ दिमाग का टेस्ट लेता है दोस्तों, और ना कि ये सब इंटरव्यू लेता है। आप 10th पास पे दे रहे हो, इसका टेस्ट तो आपसे इंटरव्यू थोड़ी ले रहा है कि आपसे 50 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ वहाँ दिमाग का चेक करता है कि आखिर ये बंदा कहाँ तक इसे मतलब इस चीज़ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया था, इस चीज़ में इसको पता है, नॉलेज है या नहीं है, ये चीज़ वो देखता है। तो ये चीज़ आपने आयरन को ये चीज़ देखना थी, स्विच ऑफ है या ऑन है। अगर ऑन है तो अच्छी बात है, अगर ऑफ है तो आपको ऑन करना है। फर्स्ट चीज़ आपको ऑन ऑफ वाली गलती भूलना नहीं है। ये चीज़ मैं पूछा तब उसने बताया कि ये चीज़ आपको फर्स्ट चीज़ देखना, क्या ऑन और ऑफ का चीज़, ये गलती आपको नहीं करना। दूसरी बात, अगर आपको नीचे वाला पैंट देता है, आपको किस तरीका से आपको करना है ये चीज़ मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। मैं लाया, देखो दोस्तों ये चीज़ है, अगर ये आपको ऐसे मिला हुआ है, ये चीज़ ऐसे मिला हुआ है, तो आपको इस जगह पे ऐसे ये तो आप लोग फोल्ड करते हो। अब वाशरमैन सोप पे जाना, वहाँ 100% प्रेस करने के लिए सीख लेना दोस्तों। तो ये चीज़ आप जैसे ही देखे तो इसको क्या करना है, फर्स्ट में झाड़ना है। ये दूसरी गलती, यहाँ बंदा नहीं करते हैं, ये आपकी दूसरी गलती, यहाँ पे ऐसे झाड़ते नहीं हैं, ये चीज़ हो गया। चीज़ के बाद में आपको ये देखिए, ये जो होता है और ये चीज़ को लोग पकड़ते नहीं हैं, जहाँ पे क्रीच है इसका, ये चीज़ को पकड़ने के बाद में और ऐसे करने के बाद में आपको रखना टेबल पे, तब जाके प्रेस करना। ये इंसान दूसरी गलती करता है जिसके कारण वो फेल होता है। क्या हुआ, दूसरी चीज़ आपको पैंट को झाड़ना, उसके बाद में क्रीच को धर के और रखना, तब जाके आपको प्रेस करना है। ये आपकी दूसरी गलती है दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बता दिया, दूसरी गलती। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि आप लोग जब ये फुल पैंट प्रेस कर दिया, इतना चीज़ में आपने अगर झाड़ कर रखा और प्रेस कर दिया, इसके बाद प्रेस होते ही तीसरी गलती आप लोग क्या करते हैं कि आयरन आपने जहाँ से उठाया उस जगह पे आप लोग रखते नहीं है, ये चीज़ आपका तीसरा गलती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना कि तीसरी गलती, मान लो कि आपने लोहा का आयरन उठाया, तो लोहा का आयरन उठाया तो आपने जब प्रेस कर दिया इस पे, प्रेस आपने अगर कर दिया है, प्रेस कर दिया आपने, अब प्रेस कर दिया तो आयरन जिस जगह से आपने उठाया है उस जगह पे तो रखोगे, तो उस जगह पे अगर लोहा का आयरन है तो आपको उस जगह पे जैसे थे, जैसे आपने उठाया था जहाँ से, वैसे ही आपको रखना है। अगर स्विच आपने ऑफ नहीं किया तो भाई इसको ऑफ कर देना, ये आपकी फिर से तीसरी गलती में जुटती है। प्रेस करने के बाद में आपने आयरन को रखना है और उसके बाद में आपको बटन को ऑफ करना है, ऑन है तो, क्योंकि आपने प्रेस किया तो वो तो ऑटोमेटिक ऑन ही है, तभी आप प्रेस कर रहे थे, तो ये चीज़ आपको ऑफ करना है। अगर ऑफ के लिए लास्ट में अगर आपको माना भी अगर बोलते हैं सर कि छोड़ दो, तब आपको छोड़ना है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ बिना ऑफ किए ही आप वहाँ से जाओगे, ये गलतियाँ आपको नहीं करना। अगर इलेक्ट्रिक आयरन है तो इलेक्ट्रिक आयरन को भी वही ऑन ऑफ देखना है, दूसरी वाला वही गलती करनी है जो प्रेस वाली पैंट की देखनी है वो, या शर्ट की देखनी है, वर्दी ही मिलेगी आपको, दूसरा चीज़ प्रेस करने के लिए नहीं मिलेगी। और तीसरी जो आपने किया, इसको इलेक्ट्रिक आयरन को भी ऑफ करना है और इसको लेटा के नहीं रखना है भाई। इलेक्ट्रिक आयरन को आपको लेटा के रखते हो फिर भी आप फेल होगे। इलेक्ट्रिक आयरन खड़ा इस तरीका से रखा जाता है और ये लोहा का आयरन को स्टैंड पे रखा जाता है, ये चीज़ आपको सावधानियाँ बरतना है। और इससे ज़्यादा आपको ट्रेड टेस्ट में नहीं पूछेगा, बस क्या चीज़ वहाँ ट्रेड टेस्ट में सारे लोग से प्रेस करवाते हैं, सारे लोग से, BASF ट्रेडमैन में मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि सारे लोग से प्रेस करवाते हैं। मैंने पूछा कि सर इसके अलावा और केमिकल का नाम कुछ पूछता है या, बोला दोस्त इतना पूछने का उसके पास में टाइम नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं, आते हैं उनसे प्रेस करवाते हैं, बंदा वहाँ जल्दी में रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तो किसी ने ऑफ ही है, ऑफ रहने के बाद में उसने प्रेस चालू कर दिया, ये चीज़ गलती किया, उसको तुरंत छाट दिया। फिर दूसरा बंदा आया तो उसने ऑफ को, तो ये चीज़ को अगर वो ध्यान दे दिया करे ऑफ है स्विच, तो इसको उसने ऑन कर दिया। अगर इसने ऑन कर दिया तो दूसरी बात, अगर आपको पैंट की वर्दी मिली है तो मैं आपको बताया जो ढाड़ने का पकड़ने का तरीका, वो चीज़ वो गलती कर दिया तो वहाँ पे तुरंत छट गया। तीसरी चीज़ में जब वो उस तरह का प्रेस करता है तो बोलता है कि ठीक है बेटा छोड़ दो, तो वो वापस आयरन को उस स्टैंड पर नहीं रखता है,
यही गलती हमेशा करते रहते हैं लोग और ट्रेड टेस्ट में फेल होते रहते हैं। और जो बंदा इस तरीका में हर बार अगर उसने सही कर दिया, जैसे वो किसी को बोला कि आपने प्रेस करो इसको, तो उसने देखा स्विच ऑन है तो छोड़ दिया, स्टैंड उठाया, स्टैंड उठाने का स्टैंड आपने स्टैंड से उठा लिया, स्टैंड से जब उठा लिया तो ये वर्दी को पहले तो आपको इसको रखोगे जहाँ के इसको क्रीच धर के रखोगे तभी तो आप आयरन उठाओगे ना, तो पहले आप लोग आयरन उठा लेते हो जिसके वजह से फेल कर दिए जाते हो। तो इसलिए आपको अगर बोलता है प्रेस करने के लिए आपको वर्दी है तो वर्दी को पहले पकड़ना है, झाड़ना, उसके बाद में टेबल पे लगाना है क्रीच के साथ में, तब जाके आपको प्रेस उठाना है। ऐसे नहीं उठाइएगा नहीं तो आप फेल कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। लेकिन मैं जहां तक आशा करता हूं कि इससे ज़्यादा आपको ट्रेड टेस्ट में नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने आप सारे सर से मैंने बात की, वाशरमैन शॉप भी गया, वहां से भी पूछा, मतलब इससे ज़्यादा ट्रेड टेस्ट नहीं पूछता है। यही ऐसा 3-4 गलतियाँ जिससे लोग फेल हो जाते हैं और ज़्यादा फेल यही करते हैं गलतियाँ में। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके नज़दीकी कहीं वाशरमैन शॉप है तो वहाँ पर जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास में टाइम दीजिए और प्रेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, कि आइडिया उससे लीजिए। वाशरमैन शॉप में जो होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में मालूम होता है, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया लीजिए और प्रेस करने के लिए सीखिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्त के साथ भी शेयर करना दोस्तों। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम होगा वाशरमैन ट्रेड से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स कर देना दोस्तों, मैं उसका भी समस्या सोल्व कर दूंगा। लेकिन मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा और प्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा सीखिएगा, कि ताकि आपको प्रेस करने में छटना नहीं है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों को राम राम और जय हिंद।